आज अमरोहा कलेक्ट्रेट में हुई प्रेस वार्ता मौजूद रहे जिला प्रभारी मंत्री विजय कश्यप। आज अमरोहा कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में जिला प्रभारी मंत्री विजय कश्यप ने बताया कि हमारे देश में बहुत बड़ी बीमारी महामारी चल रही है, इसलिए आज हमने प्रेस वार्ता रखी है। इस प्रेस वार्ता के जरिए हम जनता को जागृत करना चाहते हैं कि आने वाली 22 मार्च को जनता कर्फ्यू है, सभी लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। मंत्री साहब ने इस वार्ता में अपनी सरकार में योजनाओं से मिले लाभ के बारे में बताया और कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग को सचेत किया। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में हमने मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था बना दी है और यदि किसी व्यक्ति को वायरस हो जाता है तो उसके लिए हमने अलग से वार्ड बनवा दिया है और इसका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। और मंत्री साहब ने सभी पत्रकारों की बातों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस कर्फ्यू का पालन नहीं करता है तो प्रशासन उसके खिलाफ कार्यवाही भी कर सकता है। प्रेस वार्ता में मौजूद रहे जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्रा, जिला प्रभारी मंत्री विजय कश्यप, पुलिस अधीक्षक विपिन तांडा, विधायक राजीव तरारा, जिला पंचायत सदस्य। बीमारी में बचाव बहुत आवश्यक है। देश महामारी से जूझ रहा है, इस घातक बीमारी से। सीए को लेकर मुस्लिम महिलाएं हटने का नाम नहीं ले रही हैं, पीछे हटने का नहीं। नहीं, वो तो अब जो हमारी ऐसी महिलाएं वहाँ बैठी हैं, बीमारी तो सबके लिए खतरनाक होती है, वो भी बचाव कर रही है, वो धीरे धीरे संख्या घट रही है। सरकार ने क्यों पहल नहीं की उनसे वार्ता करने की अभी तक? जी पहल क्यों नहीं की, वार्ता क्यों नहीं कर रही है? ऐसे मामले महामारी घोषित है, मंदिर बंद कर दिए गए हैं, मॉल बंद कर दिए गए हैं, इसके बाद सीए को लेकर जो सबको सलाह दी गई है ना, ये बड़ा इसमें काम है, जो भीड़ भाड़ में ना जाओ, तो उसके लिए सबसे निवेदन किया गया है, उनसे भी कहा गया है, वो लोग मान रहे हैं बात। मुस्लिम जागरूक है, मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी कहा गया है नमाज के लिए, तो वो क्या मानने को तैयार नहीं है कि नमाज हम मस्जिद में ना पढ़े, पढ़ेंगे वहीं पढ़ेंगे बोला। ये जनहित का मामला है जी, सबको सलाह दी जा रही है, कोई नहीं मान रहा तो बाद में सख्ताई भी की जा सकती है। मतलब क्या सख्ताई की जाएगी भैया? देश पूरे देश में बीमारी फैलने का खतरा है जी, और चूंकि हमारे देश के लोग सब समझदार हैं, सबको अपनी जान की वो है, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो इस बात को नहीं मान रहा। तो जो मस्जिद होगा उनका क्या, पुलिस लगा दी जाएगी वहाँ पर? सब मानने हैं ना। नहीं, आपने कहा सख्ताई की जाएगी। देश प्रदेश में कोई भी आदमी वो इस बात को नहीं मानना था, उसे लगता है समाज को देश को नुकसान होगा, तो उसे कार्रवाई की जाएगी तो नहीं करी जाएगी। लेकिन मैं ये तो कह रहा हूँ जी, अब सब लोग समझदार हैं, सबको अपनी जान प्यारी है, सबको अपने भाई बहन प्यारे हैं, सबको देश प्यारा है, सब मान रहे हैं इस बात को, कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है और भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया है, इसका आप क्या कहते हैं? नहीं, साजिश तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, साजिश कहाँ है भाई? लोगों लगा ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, उन्होंने भाजपा का समर्थन कर दिया, इसमें साजिश कहाँ से आई? ओम प्रकाश राजभर शिवपाल से मुलाकात हुई है उनकी, शिष्टाचार भेंट हुई है, क्या राजनीति में तो मुलाकात होती रहती है, चंद्रशेखर है, उन्होंने पार्टी बनाई, क्या क्या लगा, मतलब कुछ दिखाएगी दलितों का? कुछ लोकतंत्र है, पार्टी बनाने का उन्हें अधिकार है, वो बनाकर अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं। दलित लोगों को तोड़ पाएंगे? ये तो मैं कोई भविष्यता नहीं हूँ, मुझे लगता नहीं दिल्ली समझदार है, जहाँ उनका हिट होगा वही वो डालेंगे अपनी संविधान में। अब तो भारतीय जनता पार्टी साथ में दलित बड़ी मात्रा में आ जाए, और मैं समझता हूँ ऐसी विशेष बात नहीं,